हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। अगर आप फार्मेसी कोर्सेज करके हेल्थ केयर या फिर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए हैदराबाद के टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सभी कॉलेजेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके इन सभी कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आप फार्मेसी कोर्स के बारे में, फार्मेसी करियर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने फार्मेसी कोर्स को लेके ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस पे भी क्लिक करके इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, इसके करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन हैदराबाद में आप सबसे पहले नंबर 1 पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को चेक कर सकते हैं, NPER हैदराबाद को चेक कर सकते हैं। 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है, NIRF ने इसको 6 रैंक दिए हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और यहां पर बी फार्मा कोर्स अवेलेबल नहीं है, यहां से आप एम फार्मा कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,21,000 की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपको NIPER का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसमें आई हुई रैंक के बेसिस पे आपको यहां से एडमिशन मिल सकता है। यहां से अगर आप एम फार्मा कोर्स कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 5-7 लाख पर एनम का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। नंबर 2 पर आप जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद को भी चेक कर सकते हैं, 1972 का एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। यहां से आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 3,60,000 की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपको तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसी में आई हुई रैंक के बेसिस पे आपको यहां एडमिशन मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, NBA अप्रूव्ड है, 1980 का एस्टैब्लिशमेंट है, अगेन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहां पर भी आपको एडमिशन तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे मिलता है, यहां से आप बी फार्मा कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,60,000 की है। यहां से भी बी फार्मा कोर्स करके या फिर फार्मेसी कोर्सेज करके आपको आसानी से 5-6 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में सभी डिटेल में जान सकते हैं। आप बिट्स पिलानी हैदराबाद को भी फार्मेसी कोर्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड है, 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है और यहां से आप बी फार्मा कोर्स 4,23,000 पर एनम की फीस में कर सकते हैं। अगर आपके 12th में 75% एंड अबव मार्क्स हैं तो आप बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्जाम देके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हैदराबाद को भी फार्मेसी कोर्सेज के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, AICTE अप्रूव्ड है और यहां के बी फार्मा कोर्स की फीस अप्रॉक्स 2 लाख पर एनएम की है। अगर आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स हैं तो आप नरसिंह मोजी इंस्टीट्यूट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं और इस पर्टिकुलर टेस्ट में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में आई हुई रैंक के बेसिस पे आपको यहां से फार्मेसी कोर्स करने का मौका मिल सकता है। अगर आप यहां से बी फार्मा कोर्स कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 5-7 लाख पर एनएम का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज की सभी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन हैदराबाद में आप गीतम यूनिवर्सिटी को भी चेक कर सकते हैं, अगेन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है और यहां के बी फार्मा कोर्स की फीस 1,32,000 पर एनएम की है। अगर आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स हैं तो यहां पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां से भी बी फार्मा कोर्स करके आपको अप्रॉक्स 4-5 लाख पर एनएम का मिनिमम प्लेसमेंट मिल सकता है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आप अनुराग यूनिवर्सिटी हैदराबाद को भी फार्मेसी कोर्सेज के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एफिलिएटेड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, 2020 का एस्टैब्लिशमेंट है और यहां के बी फार्मा कोर्स की फीस अप्रॉक्स 75,000 पर एनएम की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, इसके साथ-साथ आप तेलंगाना स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम देके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप जी पुल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एफिलिएटेड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, 1994 के एस्टैब्लिशमेंट है और यहां के बी फार्मा कोर्स की फीस 95,000 पर एनम की है। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपको तेलंगाना स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके साथ साथ आपके 12th में 50% मतलब मार्क्स भी होने चाहिए। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सभी कुछ डिटेल में चेक कर सकते हैं। टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज इन हैदराबाद में आप डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1997 का एस्टैब्लिशमेंट है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यहां पर भी आपको एडमिशन तमिलनाडु स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर मिल सकता है और यहां की फीस अप्रॉक्स 75,000 पर एनम की है। यहां से भी बी फार्मा कोर्स करके आपको अप्रॉक्स 3-4 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। आप सुल्तान उलम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हैदराबाद को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एफिलेटेड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है और यहां की फीस अप्रॉक्स 98,000 पर एनम की है। अगर आपके 12th में 50% अलावा मार्क्स हैं तो आप तेलंगाना स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देके इस पर्टिकुलर कॉलेज में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन हैदराबाद की इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।